गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज डे है संडे, तारीख है 17 और टाइम हो रहा है फिलहाल 6:07। तो आज सिनेरियो क्या है, आज हम लोग निकल रहे हैं मानेसर की तरफ। फिलहाल तो हम केएमपी पे अभी चढ़े हुए ही है और आज सीन ये है कि कल ही हमने एक नया ग्रुप ज्वाइन करा है थार का। तो उसमें क्या है कि आज हमारे साथ राइडर्स आ रहे हैं, कार राइडर्स आ रहे हैं। तो हमें इन्फॉर्म किया गया कि 25 से 30 थार राइडर्स होने वाले हैं। तो टाइमिंग मीटिंग पॉइंट था कि 5 बजे एंड एज यूजुअल 6 बज चुके। हम लोग लेट, लतीफ़ है, हमारी आदत है कभी से लेट चलने की। तो फिलहाल हम लोग मानेसर की तरफ अब जा रहे हैं, आप देख ही सकते हैं। एंड अभी तो फिलहाल कुछ है नहीं आपको खास ऐसा दिखाने के लिए, तो एक बारी ऑफ रोडिंग सेट पे मिलते हैं मानेसर में, तब वहाँ पे भाइयों से मिलते हैं और आपको भी आगे दिखाते हैं। और तब तक आप ये, तो गाइस हम लोग मानेसर ऑफ रोडिंग सेट पे पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हो मेरे आगे बिल्कुल कच्चा रास्ता स्टार्ट हो गया और हमारे आगे एक एक थार और चल रही है साथ में, आप देख सकते हो। और ये रास्ता दी एंड हो गया, हमें पता नहीं था हम थार वाले भाई के साथ साथ चल रहे थे और मे भी हो सकता है रास्ता एंड हो गया। तो एक बारी बात कर लेते हैं उनसे। अरे दिख रहा है उनको ऑफ रोडिंग सेट कहाँ कैसे है? आप भी ग्रुप में आए हो क्या? मेरे को लोकेशन भेजी है देवेंद्र जी ने, ओ पता है। हाँ दैया ने। तो गाइस मैंने डिसाइड करा है कि पहले इन भाइयों को जाने देते हैं क्योंकि ये लोग पहले भी आ चुके हैं यहाँ पर और मैं यहाँ पे पहली बार ही आया हूँ। तो एक बार ये आगे चलेंगे तो थोड़ा सा मेरे को अंदाज़ा भी रहेगा कि गाड़ी कैसे क्या चलानी है। तो इनको एक्सपीरियंस है, पहले भी ये लोग यहाँ पर आ चुके हैं, भाई लोग बता रहे हैं। तो हमें जी ने इन्वाइट करा है, देवेंद्र भाई ने, ये उन्हीं के साथ उनके ग्रुप के, इन्होंने अभी अभी मेरे को बताया है। तो आप एक बार ये ऑब्स्टिकल देख ही लगा रखी है मैंने, 4x4 अभी चालू नहीं करा है, अभी 4x2 में ही चल रही है गाड़ी। और आप देखिए कितनी प्यार से गाड़ी स्मूथली चढ़ रही है ना। यहां तक तो गाइस 4x2 गाड़ी भी आ सकती है, 4x4 की लोड नहीं है, जिसकी एसयूवी कार है यहां तक तो वो भी आ सकता है। मैं भी अपनी एक्स्ट्रा लाऊंगा गाइस। तो गाइज नेक्स्ट वीक अगर भाई एक्स्ट्रा नहीं है ना तो आप एक बार मैसेज करके इंस्टाग्राम पे इनको थोड़ा सा तंग करना, तब इनको पता चलेगा कि झूठ बोलना क्या होता है। और बाकी नेक्स्ट वीक आपको पता ही चल जाएगा कि भाई की गाड़ी आई नहीं आई। और सामने भी भाई ब्लॉगिंग कर रहे हैं यहाँ पे, जो अगर बिना 4x4 वाली गाड़ी ला रहे तो उनको ध्यान रखना पड़ेगा कि अपने टायरों का, क्योंकि ये थोड़े से शार्प पत्थर है तो ज़्यादा पावर दोगे तो टायर कटने के ज़्यादा चांसेस है। एंड ऑब्स्टिकल काफ़ी अच्छा है, हमें तो काफ़ी मज़ा आ रहा है क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम है जो ऐसी ऑफ रोडिंग पे आया हूँ। लास्ट जो ऑफ रोडिंग हुई थी वो तो आपको पता ही है वो कैसी हुई थी, आपने देख ही लिया व्लॉग। वो तो ऑफ रोडिंग के नाम पे खाली ओ था, आगे कुछ था ही नहीं उसमें। आज कुछ एंटरटेन होगा, आज कुछ आसार लग रहे हैं। ये बात खास जतिन के लिए है जिसने कहते हुए मारा। हाँ, ये हमारे जतिन भाई के लिए खास। भाई तूने कहा था ना लास्ट व्लॉग में जबरदस्त ऑफ रोडिंग होगी, हमारे खेत है, कहाँ फंसाया तूने? और ये होती है गाइस देखो, तो टेंशन की क्या बात है। बात ये है ना भाई, अगर स्टेपनी मार दे स्टेपनी भी को गाइस, वो भी बात सही है। और गाइस कितनी स्क्रैचेस लग रही है गाड़ियों पे हमारी, पीपीएफ करा नहीं रखा गरीब लोग। गाइज अगर मैं हैरियर लिया था ना, आपने लास्ट व्लॉग में देखा ना हैरियर, वो पापा की कार है, पापा मेरी जान ले लेते। ऊपर से ऐसे ऑब्स्टिकल पे वो लेके ही क्यों आनी है, फंसने के काफी चांस है और फंस गई तो फिर वो नुकसान के बिना निकलेगी नहीं। भाई हम गलत जा रहे हैं। तो गाइज हम लोग गलत लोकेशन पे आ गए थे, वैसे तो हमारे पास असली लोकेशन थी जहाँ में जाना था, बट क्या हुआ कि देवांश कह भी रहा था अपनी लोकेशन के हिसाब से चलते, बट मैं भाई के साथ साथ था क्योंकि भाई उनके ग्रुप का मेंबर है तो इनको पता होगा। बट अब इनको अच्छे से पता चला है कि वो कहाँ पर है, तो अभी हमें वहाँ तक लेके जा रहे हैं ऑफ रोडिंग ट्रैक से घुमाते घुमाते। एंड यहाँ पे जंगली पशुस भी है, पशुस या पशुस। भाई महस जंगली नहीं होती, महस पालतू होया करे, महस है यार, महस है भाई। हमने भी राख रखी महस, हमने भी दूध काटे बतेरे, हमने भी काट रखे बतेरे दूध महस के। भाई लाग तक होना। अरे गाइस वो तो बस थोड़े गंदे आदत ने बिगाड़ दिया, मैं गाइस एक बारी व्यू देखो आप, ये
एक बारी आप ये चेक करो, लेवल देखो कितनी नीचे झुक चुके हैं, बिल्कुल स्टीप है ये। मीटर भी कंफ्यूज हो गया, क्या दिखाऊं, कभी 9 दिखा रहा है, कभी 18 दिखा रहा है, कभी 13 दिखा रहा है। मीटर भी इतना कंफ्यूज हो गया, लगता है बारिश का पानी घुस गया। भाई गाड़ी सर्विस करवा, आखिरी बार सर्विस कब कराई थी, पिछले जन्म में? भाई सर्विस कराई नहीं मैंने, बेरा जब थार बनी हुई थी तब सर्विस करवाई थी। और गाइस आगे से, तो गाइस आगे एक थार और आ चुकी है। तो मैंने आपको बताया था ना, आज थार ही थार होने वाली है। बस मेरी जान स्क्रैच नहीं लगनी आज, प्लीज। जितनी स्क्रैच लग ली फिर क्या स्क्रैचिंग लगनी भाई, अभी तो और लग जाएगी यार। एक काम कर, तो अपनी थार ना, अरे वो रही गाइस उधर बहुत सारी थार है, मेरे को अभी अभी दिखी, और एक जिमनी भी है वहां पे। तो आज आपको जिमनी की भी ऑफ रोडिंग देखने को मिलेगी डेफिनेटली मेरे चैनल एक पर। काम कर, सबसे बढ़िया अपने थारो गोल्ड रैप करवा दे, 24 कैरेट गोल्ड। गाइस अभी डब्बू से एक बार पैसे ले लेता हूँ, फिर चलते सभी लोग। गाइस कैसा लगा मेरा मजाक करवाने, कैसा लगा मेरा मजाक, हंसने वाला इमोजी कमेंट करिए। इस भाई को धक्का दे दो इसी बात पे नीचे, ये जो दूध की डोली लेके खड़ा था। गेट खोल के बूम, मेरे डब्बू से नाराज तू ले। गाड़ियां है 25-30, थारे भी है गाइस, है 25-30 तो नहीं है, 10-15 है। और गाइस उधर देखिए ड्रिफ्टिंग चल रही है, बहुत अच्छी वाली। रिंचू भाई को ड्रिफ्टिंग नहीं आती, सॉरी फॉर दैट। हां गाइस आती नहीं है, बट कोई नहीं। आज एक सामने वहां पे चेक कीजिए, जिमनी है। और ओह माय गॉड, मैंने तो अब देखा ये ऑब्स्टिकल, 50 रीजंस ले लेना है भाई, जाने दे ऑब्स्टिकल, देखने दे मेरे को लेनी में, ले लेने के चक्कर में ना गाइस एक बार देखो यहाँ पे घल जाएगी, लेनी हो जाएगी हमारी, और पहला दिन पहला ऑब्स्टिकल उसी में फंस जाएंगे। तो ऐसे थोड़ी ना थार की बेइज्जती करवानी है। अगर मैं अपने एक्स्ट्रा लाता हूं किस दिशा में, कहा डिफ्ट मार गए वो भी सीएनजी में। गाइस एक बार चेक कीजिए कितनी थार है, थार जिमनी, उधर जिमनी खड़ी है, वो उधर, वो चेक कीजिए उधर, वो जिमनी है उधर, वो भाई ड्रिफ्टिंग करने लग रहे हैं थार के साथ अलॉय डलवा के। तुझे आती है? गाइस मुझे नहीं आती, हम अच्छे बच्चे, हमें ड्रिफ्टिंग शिफ्टिंग नहीं आती, लेकिन मैं करूंगा भाई, मेरे अंदर खून है, उबाला मार रहा है ड्रिफ्टिंग के लिए, खून उबाला मार रहा है। गाइस एक बार चेक कीजिए आप ये, जा जा जा, सीधी आन दो, सीधी बिल्कुल सीधी आन दे, अरे फंसी तो कोई नहीं, बम्पर बम्पर जान दे कोई नहीं, पापा के पास बहुत पैसा तेरे, इसी बहाने बदल जाएगा बम्पर, कुछ नया मॉडिफिकेशन हो जाएगी इसी बहाने, चला जाएगा, अरे 22 इंची लग जाएंगे, 22 इंची लग जाएंगे थोड़ी। चल अब आने दे, राइट राइट करके, अरे बाहर से लिया है बिल्कुल, ये तो बाहर से खड्डे ने बीच में रखवाता। अच्छा चल अब तो लिया है, तो ले अब यहीं का उतारेगा ना, चुप आ जाता होगा यार। देखो फर्स्ट टाइम कर पाओगे नहीं कर पाओगे, यो पर थार है यार, फर्स्ट टाइम आराम से कर देगी। सीधी स्टीयरिंग सीधा करो, सीधी पीछे जान दे पहला, और लो में लगा रखी ना, फोर आई में लो में लगा, लो में और यहीं से सेकंड गियर लगा के यहीं से उठा, देख गाड़ी क्यों ना होगी, फोर लो में लगा। तो भाई मारो चु भाई, नया नया ड्राइवर है, सेकंड और आन दे, मैनुअल नहीं ऑटोमेटिक है, सेकंड कैसे, और मैनुअल बना ले यार इसमें, मैनुअल का ऑप्शन है भाई, सेकंड हां खींच दे, तेरी सीधा खींच दे, लो भाई ये थार निकल गई, निकल गई, निकल गई, निकल गई, बस अरे वहाँ का ले रहा है रिवर्स ले, ये भाई हमारा रच्चू भाई नया नया ड्राइवर हो रहा है, कोई बात ना हम सिखा देंगे भाई धीरे धीरे, सीख जाएगा सीख जाएगा। लिया
अरे फोर लो में लगा लेने, फोर लो लगा ले, लो चले। क्या कर रहा है, कौन सी गियर में लगा रहा है तू? इसने पहले में लगा, पहले में लगा, थोड़ा पाछे ले, देखिए देखिए जिमनी है पाछे। अरे कोई ना, ठुग्गी ठुग्गी आंदे 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 जानते जानते जानते, ब्रेक मत मार, जानते जानते धसगी, अरे धसगी बस। चलो चलो चलो, जिमनी भी ट्राई करे भाई, थार तो नहीं बोलती। एम्बेसी की गाड़ी आया था, भगा के लाओ, भगा के थोड़ा प्रेशर बना के, भगा के पीछे से पिकअप बना के। एम्बेसी गाड़ी है, एम्बेसी नहीं, आजकल इंडिया के नंबर 23 BH। हां हां 2023 मॉडल है ना वो। अच्छा BH कौन लोग है, भारत की बात है बाबा, 300 खरीदने पड़ते होंगे ना नंबर, तो खरीदना नहीं, जैसे वो HR13 खरीदना नहीं, वही वो सेम है, इसकी कॉस्ट थोड़ी ज्यादा रहे। पिकअप बनाओ, चल गई, बस हो गया, अटक गई। हल्का सा और थ्रॉटल देना था, पूरी निकल गई थी बस हल्का सा और। हल्की सी मोड़ दियो, हल्की सी आन दे, ले बस आ गई। सिस्टम भाई सिस्टम। गाइस ये हमारे डब्बू भाई साहब है, ऑटोमेटिक चलाई है पहले हैं, चलाई ओए ओए। और गाइस ये हमारे देवांश भाई, जान दे टायर सीधा। हाँ हाँ हाँ, ड्रिफ्ट मारनी है, देखिए भाई ने कहते नया कर दे। तू कर रहा था कहा, कोई ना भाई, आ जा ये ये ये, जब आगे देखिए को ना, मेरा पार्ट लेफ्ट पैर का ही क्यों काम है इसमें, जान दो भाई ने, जान दे, रुक जा 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 रुक जा, चल 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 तू, चल तू चल 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 चल, जल्दी तो इससे पहला हवा आ गया, चुम्मा दे, पूरा काट पूरा काट, सीधा कर ले सीधा, बस बहुत बढ़िया। गाइस एक बार आप ये चेक कीजिए, यहाँ पे थोड़ी सी अनहोनी हो गई है, पत्थर रोक लो, टो कर लेते एक बार या तो, क्योंकि वरना वो उस साइड में धस जाएगी ना, खिसकेगी वो पूरा, और पंजा देंगे जितना वो खिसकेगी, इससे अच्छा इसको टो कर लेते स्ट्रैप से। हाँ वही कर रहे, वो वाला टायर स्किड करके नीचे स्लाइड हो रहा है ये, वो गाइस बच्चे को डर लग रहा है थोड़ा सा। खींच के इज बेटर, हाँ इधर तो ये और मिट्टी अंदर चली जाएगी, बस देखते हैं थार कैसे चलेगी, बट ये आफ्टर ऑल थार है गाइस, ये तो निकल ही जाएगी। बहुत बढ़िया पाजी, यहाँ से निकलने के लिए यू टर्न ही है ना,
ये भी पंगा, पर यू टर्न के बाद निकल जाएगी। चलो कोई नहीं, क्लिक बेट मैं ले लूंगा। चल भाई। ओली ओली अंदर। और उधर बर्नआउटे चल रही है। नो टायर सेट हमें नहीं मिल रहे ने। पाजी को मिल रहे ने सेट, हमें नहीं मिल रहे। अरे दैया जी है जिन्होंने हमें इनवाइट करा था इस इवेंट पे, एक बारी चेक कीजिए। गाइस जीरो बन गया मेरे को, मारे पता है मेरे को किसकी याद आ रही है ये सब देख के, सिर्फ एक बंदे की, ट्विस्टर दैया की। भाई तू व्लॉग देख रहा है ना, नेक्स्ट जगह तेरे लिए ये, आगे जीरो बनानी है यहाँ पे इग्निश से, इग्निश 4x4 आनी है हमारी अगली बारी। भाई गाइस वो अलॉय चेक कीजिए, काफी अच्छे लग रहे हैं। लगा ले प्रावा 4x4 लगा ले, अब चल सिस्टम गाइस सिस्टम, आराम से सिस्टम, खिड़की और का सिस्टम टिका दे। साले डीएफ टैंक का कवर भी नहीं है मान जा, कदे आज डीएफ टैंक के जाते अन्य लगवा के दे तुमने। अरे कौन है तू? अरे जिमनी का के लुटा दूंगा, ये इतनी कैपेबल है, वो मेरे ऊपर तभी ना जा रहा होगा। आगे देख ले। आन दे। एक्सपीरियंस ब्रो, पहली बार आया हूं, रोडिंग पे एक्सपीरियंस है मेरा। अरे हमारा कीड़ा है इनमें, कीड़ा कोनी ना वो। गई रिवर्स ले ले, टायर काट के रिवर्स ले ले। इसलिए कि अरे टायर काट के सेम सिचुएशन ना आपकी थोड़ी ऊपर तो थी, मेरी तो और भी नीचे, मेरा तो बस गया आज। नहीं नहीं नहीं, अरे टायर काट दे, हाँ उसे टायर काट दे, दोनों साइड का मतलब पूरा, दोनों साइड रिवर्स लेके, रिवर्स लेके खड़े खड़े दोनों साइड स्टीयरिंग मारने का, ऐसे नहीं निकलेगी, नीचे ही जाएगी, हाँ ऐसी नीचे ही जाएगी, आराम से ले लो एक बार, उस साइड की साइड घुमा पूरा, जाएगी जाएगी जाएगी, अब ऐसे ऐसे रिपट रिपट पछ हो जाएगी वो, फिर ऐसे ही काट के यहाँ पूरा उस तरफ काट के आराम से नीचे ले लो, वही तरीका है वजह से निकल। नहीं ये वाला टायर फ्री हो रहा है? नहीं वो नहीं होगा, वो थोड़ा हवा में ना फोर व्हील डला ही हुआ है, वो टेंशन वो शुक्र है 4x2 नहीं है दुखी हो गया जिमनी। ये भाई मारे रच्चू भाई ने गाड़ी फसा दी,
रिवर्स लगा -24 है। अरे डरने की बात नहीं है, तो लेना यार, कोई चोट लगेगी। बस आगे नीचे आगे ले फाइनल टिकी गई। बस 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 अब टायर काट दे, टायर काट दे आगे की तरफ। अरे सीख गया तू, मेरे गल रह रहा है। अब बस राइट काट, मेरी भी फंसी थी यहीं पे। फॉरवर्ड डालो, राइट बिल्कुल, लेफ्ट लेफ्ट काट दो स्टीयरिंग। हां लेफ्ट ले लो, पूरा ले लो, कोई दिक्कत नहीं। स्टीयरिंग फंस गया ना, घूम नहीं रहा ढंग से। थोड़ा थोड़ा सा आगे, थोड़ी सी रेस दे दे ताकि मिट्टी हट जाए थोड़ी। बस ले ले, निकल गई, बस निकल गई। जिमनी थोड़ी ना फंस जाएगी, या फिर फंस गई। जिमनी बनी नहीं है भाई इस काम का। ही बच गया तो हमारे रच्चू भाई, आपको कैसा लग रहा है अभी गाड़ी फंसा के? भाई बच गया, मेरे को गाड़ी की टेंशन नहीं थी अपनी थी। अबे तू तो घर के दो है, तेरी क्या टेंशन थी भाई? फंस गए ना, कोई बात नहीं। मगर तू तो घर, तेरा तो एक और छोटा भाई है, प्रॉपर्टी संभाल लेगा वो। कोई टेंशन नहीं है तेरी। अच्छा तेरे को तो यही चाहिए, मेरे को पता था तू उसकी साइड होगा पक्का। अच्छा उसे भला पुसवा का, आधी प्रॉपर्टी मैं भी लूंगा फिर। अच्छा मेरे तो ले लिए भाई, मेरे नाम की तू ले लिए। दे दे भाई दे, गाड़ी दे दे बस, मेरे तो बड़ी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए भाई। रच्चू भाई क्या कर रहे हो भाई? देख लो हमारा रच्चू भाई ड्राइवर है, अगर कल को मुझे कुछ होता है तो भाई मेरी मौत का जिम्मेदार सिर्फ रच्चू होगा, सिर्फ रच्चू। रच्चू भाई कुछ कहना चाहोगे? अगर आप गिर जाते तो रच्चू पक्का कुछ कहता। मेरा प्लान तेरे को गिराने का। बच गया तू, ये रिस्क था भाई आपके लिए। मैं गिरा ही रहता इसको, गिर जाता तो मजा आता, एक थंबनेल अच्छा मिल जाता भाई। काम वही करे जो रिस्क ले, रिस्क होता है जिसे मैं, बिना रिस्क काम में मजा नहीं आता। रिस्क वहां आ गया था अभी। अरे देखी जाएगी, चोटी तो लगेगी, हो जाएगी ठीक। सीधा ले जाओ, ले ले सीधा ले लेता, रिवर्स लेने जरूरत नहीं थी। सीधा ले लो, हां हां सीधा ले लो, राइट ले लियो, राइट लेना है। उतरते के साथ राइट ले लियो। चलो रेस दो, थोड़ी सी हट जाएगी, हट जाएगी, हट जाएगी, रेस दो, रेस दो। नहीं अड़ेगी, ले 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 ले, चल चल चल, आराम से आराम से आराम से। भैया साहब यहां ले जाओ। तो गाइस आज का एक बारी लाइनअप चेक कीजिए, कितनी थार है। तो ये सारा थार का ग्रुप है, आज इन लोगों ने मुझे इनवाइट कराया था ग्रुप में आने के लिए। एंड वहाँ पे एक जिमनी है, एक जिमनी ये रही, तो ग्रुप में दो जिमनी है जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है, बस थोड़ी सी पावर की कमी रह जाती है। कहीं ना कहीं अगर कंपनी थोड़ी सी पावर और दे देती तो जिमनी थार को पूरा कंपेयर कर सकते हैं जिमनी के साथ। तो अगर थोड़ी सी पावर आ जाती है ना जिमनी में तो पूरी टक्कर की गाड़ी है, वो थार को पूरा टक्कर दे सकती है। बट 19-20 का तो फ़र्क है गाइस, अब वो कंपनी उतना ही अच्छा बना देगी तो फिर कोई थार को कैसे लेगा, फिर तो सभी जिमनी लेंगे। बाकी एक बार ये काफ़िला चेक कीजिए, इतनी सारी कारें हैं, कुछ वहाँ पे अभी ड्रिफ्टिंग चल रही है। और आपने आज की वीडियो में देख लिया होगा ऑफ रोडिंग, और अगर किसी को करना है, किसी को अगर थार बेचनी हो, तो उम्मीद आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। तो एक बार ही थोड़ा बहुत फोटो सेशन कर लेते हैं, फिर यहाँ से चलेंगे हम लोग कुछ खाने, हम सब भाई लोग चलेंगे, फिर उसके बाद खाना वाना खा के घर की तरफ निकलेंगे। और ऑफ रोडिंग तो आपने देख ली, और अगर किसी भाई को अगली बारी हमारे साथ आना है तो वो मेरे को डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में नीचे आके मैसेज कर सकता है, और मोस्ट वेलकम है सभी भाइयों के लिए। तो गाइस अब यहाँ से सब लोग निकल रहे हैं, आप एक बार चेक कीजिए, सारी थारे जाना चालू हो चुकी है। तो हम लोग भी अब यहाँ से निकल रहे हैं, और यहाँ से निकलेंगे घर की तरफ। और अब आप लोगों को यहाँ से एक बार ही निकलते हैं, यहाँ से देखो आप चेक करो कैसे सभी लोग जा रहे हैं। तो एक बार यहाँ से निकलते हैं, गाड़ियों का काफिला निकल चुका है, यहाँ से निकलते हैं। और वैसे सब लोग वहाँ से जा रहे हैं, बट हम लोग यहाँ से जाएंगे जो आपने ये ट्रैक देखा था अभी, तो इसी पे से चलते हैं। और दया जी की वहां से जा रही है तो हमारी भी तो वहीं से जाएगी फिर। तो
यादव जी आए थे, अलीश यादव का नंबर ले लेते यार। गाइस एक बारी चेक कीजिए कि अरे एक मिनट, एक रील तो बना नहीं रही, कितनी थार है, एक रील बनाओ, रील बना ले जल्दी से बाहर निकल के, मेरे को भी दिखा दियो। तो हमारे देवांश भाई एक बारी रील शील बना लेते हैं और यहाँ से निकल रहे हैं, आप चेक कीजिए एक बारी यहाँ से बाहर निकलते हैं, क्योंकि अब इतनी सारी कार से आपको समझ में नहीं आएगा। और वैसे भी आपने आज तक देख ही लिया था कैसे हम लोग आए थे। तो एक बारी फोर हाई बंद करते हैं। तो नॉर्मल टू व्हील ड्राइव लगा दी है, अब कार थोड़ा सा पावर के साथ चलेगी। भाई कांटे अंदर हो जा, भाई कांटे तेरी तरफ, चल चल चल। ओए, 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 ओए। क्या हुआ? मैं मौत से रूबरू होकर आया हूँ। तो गाइस आपने आते थे ये रास्ता देखा था, तो मैं आपको फिर से सेम रास्ता दिखा के वीडियो ज्यादा लंबी करना नहीं चाहता। तो यहाँ से चलते हैं, भाई लोगों का वैसे ब्रेकफास्ट पॉइंट है कह रहे सब लोग, बाकी हमारे पास इतना टाइम है नहीं, तो एक बार ही ब्रेकफास्ट पॉइंट पे चलते हैं, वहाँ पे डिसाइड करेंगे, अगर हमारे पास टाइम होगा तो ब्रेकफास्ट कर लेंगे, वरना तो ब्रेकफास्ट तो घर पे ऑब्वियसली हो ही जाएगा। और हमें जो करना था वो ऑफ रोडिंग करनी थी, गाड़ी के साथ थोड़ी मस्ती करनी थी, वो हमने कर ली। तो जो हमारा मेन मोटो था वो पूरा हो चुका है, तो अब यहाँ से चलते हैं घर की तरफ और मिलते हैं आप लोगों को एक नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए गाइस अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, एंड बी सेफ एंड राइड सेफ। बाय बाय।